का कलाकार बेमिसाल में नीले गगन के तले धरती का प्यार पले धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में आती है सुबहें ऐसे ही शाम ढले हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले शबनम के मोती फूलों पे बिखरे दोनों की आस फले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले खाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में आती है सुबहें ऐसे ही शाम ढले धरती का प्यार पले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले जैसा नाम वैसा ही काम। ये कहावत कुछ ही लोगों पर लागू होती है। हिंदी सिनेमा में एक ऐसे कलाकार हुए हैं जो अपने नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी राजकुमार थे। आज कलाकार बेमिसाल में बातें राजकुमार की। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।
रोशनी के साथ पीऊं, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तान तो बहुत लंबी है राजकुमार की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे थे राजकुमार। ग्रेजुएट होने के बाद वे मुंबई के माहिम थाने में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने लगे। उस जमाने में उनका नाम कुलभूषण पंडित हुआ करता था। जिंदगी गुजर रही थी आराम से। एक दिन गश्त करते हुए एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं लगते, अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज करेंगे। सिपाही की बात राजकुमार को जंच गई। उन्होंने गहराई से सोचा इस बारे में। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज
दिल को बैठा। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूँ के मुझे प्यार नहीं। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूँ के मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। तूने मांगा, तूने मांगा तो दिया नजराना। तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल को बैठा, आज दिल को बैठा। कैसे कातिल से हुआ यारा ना,
तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, तेरे पूछे में तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। अकड़ बकड़ बॉम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है, पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50-90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग की पहल। अकड़ बकड़ बॉम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं, आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, और आज बातें हो रही हैं राजकुमार की। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में थे, वहां पर अक्सर सिनेमा से जुड़े लोग आते जाते थे। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी जरूरी काम से आए। वे राजकुमार के साथ बातचीत करने लगे। उनके अंदाज से वे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने के लिए मना लिया। अब राजकुमार तो पहले से ही फिल्मों में काम करने का मन बना चुके थे, तो उन्होंने तुरंत ही इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म साइन कर ली। आगे की कहानी बस थोड़ी देर में, सुनते हैं ये गाना कहीं ना जाना। Somewhere
जमाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर काम करने वाले कुलभूषण पंडित अब फिल्मों के राजकुमार हो गए थे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। शाही बाजार फिल्म उन्होंने साइन तो कर ली, लेकिन फिल्म को पूरा होने में इतना समय लगा कि राजकुमार के लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इसी बीच एक और फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका उन्होंने कर ली क्योंकि मजबूरी थी। फिर शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई जो फ्लॉप रही। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। बातें हो रही हैं अभिनेता राजकुमार की। गीत गाता हूं मैं, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर। मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। मुस्कुराना तो पड़ता ही है, हालात चाहे जैसे भी हों। पहली फिल्म का बुरा हाल देखने के बाद राजकुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। रिश्तेदारों ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि तुम हीरो बनने लायक नहीं हो, खलनायक बन सकते हो। अगले कई साल राजकुमार के लिए बहुत ही संघर्ष से भरे रहे। 1952 से 1957 तक राजकुमार ने कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं की, लेकिन पहचान नहीं बन रही थी। उसके बाद 1957 में राजकुमार का समय बदला। उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में नरगिस के बेटे की छोटी सी भूमिका निभाई। फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा और राजकुमार को हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली।
इसके बाद का वक्त बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। पहले पैगाम, फिर दिल अपना और प्रीत पराई, 1961 में घराना, 1963 में गोदान और दिल एक मंदिर, एक के बाद एक उनकी फिल्में कामयाब होती रहीं। और अब राजकुमार इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि अपनी पसंद की भूमिकाएं चुन सकें। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नों जमाल आपका शीशे में देख कर मदहोश हो चुका हूँ मैं, जलवों की राह पर गर हो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद कोई सुनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गए
गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में बातें हो रही हैं राजकुमार की। अभिनेता राजकुमार को उनकी दमदार आवाज और संवाद अदायगी के लिए जाना जाता है। ये पहचान उन्हें B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त से मिलनी शुरू हुई। वक्त में उन्हें एक सशक्त किरदार मिला था और उनके हिस्से कुछ बहुत ही जबरदस्त डायलॉग भी आए थे, जो आज भी अगर आपको कोई सुना दे तो मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि आप उन डायलॉग्स को पहचान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये राजकुमार के डायलॉग हैं। जैसे कि एक डायलॉग मैं आपको सुनाती हूं, चिनॉय सेठ, ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, आप कहीं ना जाना, सुनते रहना FM गोल्ड। Thank you.
परछाइयों तले हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए राजकुमार कभी एक इमेज में बंद कर नहीं रहे इंडस्ट्री में पैर जमाने के बाद उन्होंने अपनी पसंद की और अलग अलग तरह की भूमिकाएं की हमराज नील कमल हीर रांझा पाकीजा कुदरत धर्मकांटा शरारा बुलंदी और सौदागर आपने अगर ये फिल्में देखी होंगी तो इनमें एक से बढ़कर एक किरदार उन्होंने अलग अलग तरह का निभाया है कहते हैं कि आखिरी वक्त तक भी राजकुमार ने फिल्मों में बिल्कुल वैसी ही शिद्दत से काम किया जैसा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किया था तो आज का कलाकार बेमिसाल उन्हें समर्पित
तो ये था आज का कलाकार बेमिसाल राजकुमार, अभिनेता राजकुमार के बारे में। उम्मीद करती हूँ जितनी भी बातें मैंने की आपको पसंद आई होंगी, गाने पसंद आए होंगे। अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत ही छोटा सा ईमेल आईडी है हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com पर हमें लिखकर जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का प्रोग्राम। फिलहाल तो एक और गाना, कहीं न जाना। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा
भूलना आपको नहीं है क्योंकि मुझे एक बार फिर से मिलना है आपसे 1:10 पर लेकर आऊंगी घर आंगन। उससे पहले आकाशवाणी FM गोल्ड पर आइए सुनते हैं समाचार।